हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज हम सीखेंगे ये बहुत ही सुंदर सा निटिंग पैटर्न। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, लेडीज़ श्रग में, बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं। देखिए, फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है। तो फ्रेंड, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो स्टिचेस चाहिए होंगे वो 10 के मल्टीपल से होंगे, प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे। एक फंदा साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे एस स्टिच के होंगे। और ये जो डिज़ाइन है ये टोटल 12 रॉ का डिज़ाइन है। तो चलिए फ्रेंड, बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर 33 फंदे लिए हैं। 30 फंदे 10 के मल्टीपल से लिए हैं, प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। एक फंदा साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे एस स्टिच के हैं। और नीचे से बेस देने के लिए 2 रॉ उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसकी फर्स्ट रॉ है और राइट साइड है। एस स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3, धागा पीछे करेंगे, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ऐसे धागा घुमाकर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा घुमाकर जाली डालेंगे और 2 फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। ये हमारा 10 फंदों का पैटर्न है। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हमने पहले 2 फंदों का एक फंदा बनाया, जाली डाली, फिर एक फंदा सीधा बनाया, फिर जाली डाली, फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाया और 5 फंदे उल्टे बनाए हैं। धागा पीछे करेंगे, फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, 2 फंदे स्लिप करेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5, धागा पीछे करेंगे, फिर से आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, जाली डालेंगे, 2 फंदे स्लिप करेंगे और बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे, लास्ट में 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। ये देखिए, हमारी फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गई है। सेकंड रॉ है रॉन्ग साइड। इस रॉ में जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बनाएंगे हर बार। देखिए, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे, 5 फंदे उल्टे, 1 2, जाली वाले फंदे भी उल्टे ही बनाएंगे, 3 4 5, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, लास्ट में 3 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3, एस स्टिच उल्टा। रॉ थर्ड, राइट साइड। एस स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, एक यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक उल्टा एक सीधा फंदा, आगे की साइड से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा जाली वाला था इसे सीधा बना लेंगे, ये सेंटर का फंदा है, हर बार इसके दोनों तरफ जाली डालेंगे, धागा आगे करेंगे, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बना लेंगे, फिर एक सीधा एक उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे,
ये देखिए स्टार्टिंग के तीन फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा धागा पीछे ही रखेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागा आगे करके जाली डालेंगे, सेंटर का फंदा है एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, एक सीधा एक उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके जाली डालेंगे, एक फंदा सेंटर का सीधा बना लेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऐसे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, लास्ट में दो फंदे उल्टे बना लेंगे, एस्ट इज सीधा। ये देखिए थर्ड रॉ कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड सेम ही बुनेंगे, जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बना लेंगे, जाली वाले फंदे उल्टे बनाएंगे। रॉ 5 राइट साइड एस्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक उल्टा एक सीधा फंदा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, ये हमारे जाली वाले दो फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2, धागा आगे करेंगे, ये सेंटर का एक फंदा है, इसके दोनों तरफ एक एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके जाली डालेंगे, दो फंदे सीधे बना लेंगे, एक सीधा एक उल्टा फंदा टर्न करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे। स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे, एक उल्टा एक सीधा फंदा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, दो फंदे सीधे, 1 2, धागा आगे करके जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके जाली डालेंगे, दो फंदे सीधे बना लेंगे, एक सीधा एक उल्टा फंदा स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे एक फंदा उल्टा, फिर एक उल्टा एक सीधा फंदा, आगे एक साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दो फंदे सीधे, 1 2, धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे, दो फंदे सीधे, 1 2, ऐसे टर्न करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा एस्ट इज सीधा। ये देखिए रॉ 5 कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड सेम ही बुनेंगे। रॉ 7 राइट साइड एस्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये हमारे सेंटर के फंदे हैं, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, धागा पीछे कर लेंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2, फिर देखिए ये हमारा सेंटर का फंदा है, आगे की साइड से यहाँ से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे, इसके दोनों तरफ एक एक जाली डाल लेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे और बैक लूप से जाली डालते हुए दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर दो फंदे सीधे, 1 2, धागा आगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे। स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से देखिए दो फंदे सीधे बनाएंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा सेंटर का फंदा है, धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दो फंदे सीधे, 1 2, फिर से धागा आगे पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बना लेंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करके जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके जाली डालेंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दो फंदे सीधे, लास्ट में एक फंदा उल्टा बना लेंगे, एस्ट इज सीधा। रॉ 7 कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड सेम ही बुनेंगे। रॉ 9 राइट साइड एस्टिच धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, देखिए आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे, अब ये सेंटर के तीन फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3, फिर धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे,
बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा। स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे, एक फंदा सीधा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, धागा आगे जाली डालेंगे, सेंटर के तीन फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे जाली डालेंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, धागा आगे जाली डालेंगे, तीन फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे जाली डालेंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, लास्ट में एक फंदा उल्टा, एस्ट इज सीधा। रॉ 9 कंप्लीट हो गई है, रॉन्ग साइड सेम ही बुनेंगे। रॉ 11 राइट साइड एस्टिच ऐसे ही उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे। यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, सेंटर के 5 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 5, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे। स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, धागा आगे जाली डालेंगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, जाली डालेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, जाली डालेंगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, जाली डालेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे एक फंदा उल्टा, एस्ट इज सीधा। ये देखिए रॉ 11 कंप्लीट हो गई है, रॉन्ग साइड सेम ही बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड रॉ 12 कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। फिर से हम इसे फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए एक बार आप इसकी फर्स्ट रॉ देख लीजिए, एस्टिच ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और स्टार्टिंग के तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग के 4 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से रिपीट करेंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे, लास्ट के तीन फंदे उल्टे बना लेंगे, एस्ट इज सीधा। ये देखिए फिर से हमारा डिज़ाइन फर्स्ट रॉ से स्टार्ट हो गया है और ऐसे ही इसकी 1 2 12 रॉ रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।